नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, जो कि गिरफ्तार कर लिए गए थे ईडी के द्वारा और कोर्ट ने फिर उन्हें जेल भेज दिया था और उनको जेल में काफ़ी टाइम हो गया है रहते हुए। अब इनके केस की सुनवाई आगे चल रही है। अब कोर्ट से इन्होंने जमानत के लिए एक अर्जी लगाई जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको बेल दे दी है, लेकिन बेल जो दी है उसके लिए कोर्ट ने इनको कई शर्तें लगा दी हैं। जैसे कि पहली शर्त ये लगाई है कि आप अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे। दूसरी इनको कंडीशन जो लगाई है कि आप दिल्ली एनसीआर में ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। और तीसरी जो शर्त लगाई है वो ये लगाई है कि आप अपनी लोकेशन जो आपके जाँच अधिकारी हैं ईडी के, उनको साझा करनी पड़ेगी। मतलब अपनी लोकेशन उनको देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। इसके अलावा एक और भी उन्होंने इनको शर्त के साथ जमानत दी है कि आप बाहर जाने के बाद, यानी कि जेल से बाहर निकलने के बाद, आप इस केस से जुड़ी हुई बातें पब्लिक में कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी भी तरह से नहीं बोलेंगे। और जो पाँचवीं और अंतिम एक शर्त लगाई है वह यह शर्त है कि आप सबूतों के साथ किसी भी तरह से कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, ताकि केस को एक अच्छी तरीके से चलाया जा सके। सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये सभी कंडीशन लगाकर फिर कोर्ट ने इनको बेल दिए। साथ ही साथ कोर्ट ने इनसे दो तरीके की जमानत राशि भी ली है। एक तो इनसे 2 लाख रुपए का बॉन्ड लिया है और एक इनसे 2 लाख रुपए की जमानत राशि ली है। उसके बाद इनको कोर्ट ने बेल दे दी। अब ये कोर्ट से बेल लेने के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि ये कोर्ट में जो अभी कोर्ट में इनके साथ केस चल रहा है, ये उसमें बरी नहीं हुए हैं। केस वैसा ही है, केस अभी वैसे ही चलता रहेगा, उस पर अभी प्रोसीडिंग्स होंगी। इनको सिर्फ जमानत मिली है, यानी कि अभी ये कुछ टाइम के लिए जेल से बाहर आ गए हैं। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को इनकी जमानत फिर से खारिज हो जाए और इनको जेल में जाना पड़े। और इनका अभी क्या है कि सबूत सीबीआई भी इकट्ठा करेगी, अपने और केसेस को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी, और कोर्ट में जब डेट आएगी, जब तारीख आएगी, तब वो अपने इस सारे साक्ष्यों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। और तब संजय सिंह, जो ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जो सांसद हैं, इनको भी कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। और फिर कोर्ट हो सकता है कि इनको वापस से जेल में भेज दे। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि इनको कोर्ट जेल में डालना चाहिए, तो कोर्ट इनको जेल के हवालात में फिर से भेज देगी। फिलहाल तो अभी इनको तुरंत राहत मिल चुकी है, अभी यह इनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और भी है कि हमको किसी भी तरीके से किसी के ऊपर ऐसे उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, सांसद होना एक प्रतिष्ठित बात है, ये जनप्रतिनिधि होते हैं। इनके ऊपर अभी ये आरोप लगाए, और राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। अभी ये आरोप है, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध करने का काम कोर्ट का है। कोर्ट जो डिसीजन देगी वो सभी लोग को मान्य होगा, वो सभी लोग मानते हैं। लेकिन अभी हम किसी भी तरीके से, हम राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह जी हैं, इनको हम भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते हैं, इनको घूसखोर नहीं कह सकते हैं। वो ठीक है, अभी इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, लेकिन कहने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अभी जब ये कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा, अगर कोर्ट इनको दोषी सिद्ध कर देता है, तब आप इनको बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले नैतिक अधिकार नहीं है किसी के पास भी कि इनको चोर बोलें या भ्रष्टाचारी बोलें। किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दोस्तों, अभी इस कोर्ट में, अभी इस केस में बहुत से डेवलपमेंट होंगी। मैं आपके लिए इससे अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा, ताकि आप इसके हर एक पहलू से आप अवगत रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।